हर नागरिक जन जन अब फिटनेस को तन और मन दोनों से पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार है और हम सबको फिटनेस की ओर प्रेरित करने वाले और कोई नहीं हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस बात का पूरे देश को ज्ञान है कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिटनेस को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाया है और इसी कारणवश साल दर साल वह नई ऊर्जा नई स्फूर्ति नई जोश के साथ भारत माता की सेवा करते आए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचारों से हमें प्रेरित करें और फिट इंडिया अभियान के द्वारा भारत को फिटनेस की एक नई दिशा की ओर ले जाएं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, और इस पूरे अभियान का जो नेतृत्व संभाल रहे हैं वैसे श्रीमान किरण रिजिजू जी, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, खेल जगत के सारे सितारे और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, कुछ लोगों को लगता होगा तो हम तो स्कूल जाते नहीं है कॉलेज जाते नहीं है, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ विद्यार्थियों का क्यों कहा, आप लोग यहां आए हैं उम्र कोई भी हो लेकिन मुझे विश्वास है आपके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज के ही दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में एक महान, आज के ही दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे। अपनी फिटनेस, स्टेमिना और हॉकी स्ट्रीक से दुनिया को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था। ऐसे मेजर ध्यानचंद जी को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज के दिन फिट इंडिया मूवमेंट ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए, एक हेल्दी इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, और इस कंसेप्ट से मूवमेंट के लिए मैं खेल मंत्रालय को, युवा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां जो आज प्रस्तुति हुई, इस प्रस्तुति में हर पल
फिटनेस का कोई न कोई मैसेज था। परंपराओं का स्मरण कराते हुए सहज रूप से हम अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, रख सकते हैं, बहुत उत्तम तरीके से इन चीजों को प्रस्तुत किया। और ये चीजें इतने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत हुई हैं कि मुझे मेरे भाषण की कोई जरूरत नहीं लगती है। यहां प्रस्तुति में जितनी बातें बताई गई हैं उसी को अगर हम गांठ बांध लें और एकाध दो को जिंदगी का हिस्सा बना लें, मैं नहीं मानता हूं कि फिटनेस के लिए मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस उत्तम कार्य रचना के लिए, इस उत्तम प्रकार के प्रस्तुति के लिए जिन्होंने उसको कंसेप्चुलाइज किया होगा, जिन्होंने इसमें नए नए रंग रूप भरे होंगे और जिन्होंने परिश्रम करके इसको प्रस्तुत किया है, आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं भविष्य में चाहूंगा कि इसी में से एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो बना करके सभी स्कूल कॉलेजेस में दिखाया जाए ताकि सहज रूप से क्योंकि एक जन आंदोलन बनना चाहिए। साथियों, आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दे रहे हैं। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर दूसरे खेल, हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं। उनका जीता हुआ मेडल, उनके तप और तपस्या का परिणाम तो है ही, ये नए भारत के नए जोश और नए आत्मविश्वास का भी पैमाना है। मुझे खुशी है कि बीते 5 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के जो प्रयास हुए हैं उसका लाभ आज हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। हमारी संस्कृति में तो हमेशा से ही फिटनेस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। किसी बीमारी के बाद परहेज से हमने ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले उपायों को प्राथमिकता दी है, उसको श्रेष्ठ माना है। फिटनेस हमारे जीवन का सहज हिस्सा रही है और हमारे यहां तो
हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम, दीर्घायुषम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। यानी व्यायाम से ही स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन समय रहते रहते परिभाषाएं बदल गई। पहले हमें सिखाया जाता था, हमें सुनने को मिलता था कि स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अब सुनने को मिलता है स्वार्थ से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और इसलिए ये स्वार्थ भाव को स्वास्थ्य भाव तक फिर से वापस ले जाने का एक सामूहिक प्रयास आवश्यक हो गया है। साथियों, मैं जानता हूं कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे फिटनेस जरूरी है, ये तो हमें भी पता है, फिर अचानक इस तरह की मूवमेंट की जरूरत क्या है। साथियों, जरूरत है और आज शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। फिटनेस हमारे जीवन के तौर तरीकों, हमारे रहन सहन का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ फिटनेस को लेकर हमारे समाज जीवन में, हमारी सोसाइटी में एक उदासीनता आ गई। समय कैसे बदला है उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कुछ दशक तक पहले तक एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 8-10 किलोमीटर पैदल चल लेता था, कुछ एक आध घंटे भर साइकिल चला लेता था, कभी बस पकड़ने के लिए भागता था। यानी जीवन में शारीरिक गतिविधि सहज हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली, आधुनिक साधन आए और व्यक्ति का पैदल चलना कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। और अब स्थिति क्या है, टेक्नोलॉजी ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम चलते कम है और वही टेक्नोलॉजी हमें गिन गिन के बताती है कि आज आप इतने स्टेप चले, अभी 5,000 स्टेप नहीं हुए, 2,000 स्टेप नहीं हुए। और हम मोबाइल देखते रहते हैं। यहां मौजूद आप में से कितने लोग ये 5,000-10,000 स्टेप्स वाला काम करते हैं? कई लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार की वॉच पहनी होगी या मोबाइल फोन पर ऐप डाल के रखी होगी, मोबाइल पर चेक करते रहते हैं कि आज कितने स्टेप्स हुए। साथियों, आप में से बहुत से लोग सजग है, सतर्क है, लेकिन देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपनी डेली लाइफ में इतना मशगूल है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इनमें से कुछ लोग तो और भी विशेष हैं। और मैं, आपने देखा होगा कुछ चीजें फैशन स्टेटमेंट हो जाती है और इसलिए फिटनेस की जरा बात करना दोस्तों मैं
भोजन के टेबल पर बैठे हैं, भरपूर खा रहे हैं, आवश्यकता से डबल खा चुके हैं और बड़े आराम से डाइटिंग की चर्चा करते हैं। महीने में कम से कम 10 दिन आपको अनुभव होता होगा कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, भरपूर खा रहे हैं और बड़े मजे से डाइटिंग पर बढ़िया बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। यानी ये लोग जोश में आकर बातें भी करते हैं और इससे जुड़े गैजेट खरीदते रहते हैं और उनको ध्यान में रहता है कोई नया गैजेट होगा शायद मेरा फिटनेस ठीक हो जाएगा। और आपने देखा होगा घर में तो बहुत बड़ा जिम होगा, फिटनेस के लिए सब कुछ होगा, लेकिन उसकी सफाई के लिए भी नौकर रखना पड़ता है क्योंकि कभी जाते नहीं है। और कुछ दिन बाद वो सामान घर के सबसे किनारे वाले कमरे में रख दिया जाता है। ये लोग मोबाइल पर फिटनेस वाले ऐप भी डाउनलोड करने और सबसे आगे होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उस ऐप को कभी देखते भी नहीं है। यानी धाक के तीन पात। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, हमारे यहां गुजरात में एक ज्योतिन्द्र भाई दवे करके बहुत ही उत्तम प्रकार के हास्य लेखक थे, व्यंग लिखते थे और बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते थे और ज्यादातर वो अपने खुद पर व्यंग करते थे। अच्छा, उनका शरीर का वो वर्णन करते थे, वो कहते थे मैं कहीं खड़ा रहता हूं, दीवार के पास खड़ा हूं तो लोगों को लगता था कि हैंगर पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। यानी वो इतने दुबले थे कि ऐसा लगता था कि जैसे हैंगर पर कपड़े टंगे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि मैं कोई इंसान वहां खड़ा हूं। फिर वो लिखते थे कि मैं घर से निकलता हूं तो मेरे जेब में पत्थर भर के चलता हूं। वो कोट पहनते थे, सभी जेब के अंदर पत्थर भरते, तो लोग मुझे मानते थे शायद मैं हिंसा कर बैठूंगा, मार दूंगा। तो लोग मुझे पूछते ना पत्थर लेके क्यों चलते हो इतने सारे, तो जब मुझे डर लगता है कहीं हवा आए उड़ ना जाऊं, तो इसलिए जरा बेट बता निकलिए। ऐसी बड़ी मजेदार चीजें लिखते थे वो। एक बार किसी ने उनको कहा कि पत्थर पत्थर लेकर के घूमने के बजाय आप थोड़ा जरा व्यायाम करते रहिए, व्यायामशाला में जाइए। तो उन्होंने सज्जन को पूछा कि कितना व्यायाम करना चाहिए। बोले बस पसीना हो जाए इतना तो शुरू करो, पहले व्यायामशाला में जाओ, वो पसीना हो जाए उतना करिए। तो बोले ठीक है कल से जाऊंगा। तो दूसरे दिन बोले मैं व्यायामशाला पहुंच गया और ये हमारे जो कुश्तीबाज होते हैं वो लोग अखाड़े में अपनी कुश्ती कर रहे थे। बोले जाकर के मैं देखने लगा और देखते ही मेरा पसीना छूट गया, तो मुझे लगा तो मेरी एक्सरसाइज हो गई। यानी ये बात हंसी की जरूर है, मजाक अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, लेकिन कुछ चिंताएं इससे भी बड़ी है। आज भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो गया। अपने आसपास देखिए तो आपको अनेक लोग इनसे पीड़ित मिल जाएंगे। पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज कभी कभी खबर आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान बेटा बेटी चले गए, हार्ट अटैक आ रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है, लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण भी है। अब आप सोचेंगे कि इन बीमारियों के बीच भी उम्मीद की किरण की बात कैसे कह रहा हूं। मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें मैं ढूंढ के निकालता हूं। साथ जो लाइफ स्टाइल डिसीज हो रही है,
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफस्टाइल बदल के उसमें बदलाव करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है, और ये कोई सरकारी मूवमेंट नहीं है। सरकार तो एक कैटलिक एजेंट के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक प्रकार से हर परिवार का एजेंडा बनना चाहिए, ये हर परिवार की चर्चा का विषय बनना चाहिए। अगर व्यापारी हर महीने हिसाब लगाता है कितनी कमाई की, शिक्षा में रुचि रखने वाले परिवार में चर्चा करता है बेटों को कितना मार्क्स आया, उसी प्रकार से परिवार के अंदर सहज रूप से शारीरिक श्रम, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल फिटनेस, ये रोजमर्रा की जिंदगी के चर्चा के विषय बनने चाहिए। और साथियों, भारत में ही अचानक इस तरह की जरूरत महसूस हुई हो ऐसा नहीं है। समय के साथ ये बदलाव सिर्फ भारत में ही आ रहा है ऐसा भी नहीं है, पूरे विश्व में आज इस तरह के अभियानों की जरूरत महसूस की जा रही है। अनेक देश अपने यहां फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं। हमारे पड़ोस में चीन हेल्दी चाइना 2030 इसको मिशन मोड में काम कर रहा है, यानी 2030 तक चाइना का हर नागरिक तंदुरुस्त हो इसके लिए उन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने और इनएक्टिव यानी आलसीपन जो है, कुछ करना धरना नहीं, उस स्वभाव को बदलने के लिए उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक देश के 15% नागरिकों को ये आलस से बाहर निकाल करके फिटनेस के लिए एक्टिव करने के लिए हम काम करेंगे। ब्रिटेन में जोर शोर से अभियान चल रहा है कि 2020 तक 5 लाख नए लोग डेली एक्सरसाइज के रूटीन से जुड़े, ये उन्होंने टारगेट तय किया है। अमेरिका 2021 तक अपने 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने का काम कर रहा है। जर्मनी में भी फिट इंस्टीट्यूट ऑफ फैट इसका बड़ा अभियान चल रहा है। साथियों, मैंने आपको कुछ ही देशों के नाम गिनाए हैं। अनेक देश बहुत पहले से इस पर काम शुरू कर चुके हैं। इन सारे देशों में लोग फिटनेस की जरूरत को समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने यहां विशेष अभियान शुरू किए हैं। सोचिए आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को फिट रहने से नहीं, बल्कि पूरे देश के फिट रहने से ही देश का फायदा होगा। नया भारत का हर नागरिक फिट रहे, अपनी ऊर्जा बीमारियों के इलाज में नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार, अपने देश को आगे बढ़ाने में लगाए, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, जीवन में जब आप एक लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उस लक्ष्य के अनुसार ही हमारा जीवन ढलना शुरू हो जाता है, जीवन ढल जाता है, हमारी आदतें वैसी बन जाती हैं, हमारी दिनचर्या वैसी बन जाती है।
हमको सुबह 8 बजे उठने की आदत हो, लेकिन कभी सुबह 6 बजे अगर जहाज पकड़ना है, 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो हम उठते ही हैं, तैयार होकर चलते ही हैं। हमने देखा होगा स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट ने अगर ये तय किया कि मुझे 10वीं या 12वीं के बोर्ड में कम से कम इतने परसेंट लाने ही हैं, तो आपने देखा होगा वो अपने आप अपने खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना शुरू कर देता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने की धुन में उसका आलस खत्म हो जाता है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका कंसंट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो दोस्तों से समय धीरे धीरे कम करता जाता है, थोड़ा खाने की आदत कम कर जाता है, टीवी देखना बंद कर देता है, यानी जीवन को ढालने लग जाता है, क्योंकि मन में एक लक्ष्य हो गया कि मुझे ये करना है। इसी तरह कोई अगर अपने जीवन का लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन बनाता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है, वो 24 घंटे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटा रहता है। ऐसे ही जब जीवन में फिटनेस के प्रति अवेयरनेस आती है, हेल्थ कॉन्शियसनेस आती है, मन एक बार तय करे कि भाई मैं बिल्कुल ही कभी थकूंगा नहीं, कभी सांस फूलेगी नहीं, चलना पड़ेगा चलूंगा, दौड़ना पड़ेगा दौड़ूंगा, चढ़ना पड़ेगा चढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं, आप देखिए धीरे 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 आपकी जीवन दिनचर्या भी वैसी बनना शुरू हो जाती है। और फिर ऐसी चीजें जो शरीर को नुकसान करती है उससे वो व्यक्ति दूर रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, जागरूक हो जाता है। जैसे वो ड्रग्स की गिरफ्त में कभी नहीं आएगा, उसके लिए कभी ड्रग्स कूल नहीं होगी, स्ट्राइक स्टेटमेंट नहीं बनेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि अगर जीवन में पर्पज हो, पूरे पैशन के साथ उसके लिए काम किया जाए, तो अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके जीवन में आ जाते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमारे भीतर एक जुनून, एक इच्छा शक्ति, एक लगन का होना भी उतना ही जरूरी है। जब एक पर्पज के साथ, पैशन के साथ हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सफलता हमारे कदम चुमने के लिए तैयार हो जाती है। और सफलता पर आपने वो कहावत भी सुनी होगी, देर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, देर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। यानी इस कहावत में भी आपको सीढ़ी के कदम चढ़ने के लिए कहा गया है। स्टेयर्स तो आप तभी चढ़ पाएंगे जब फिट होंगे, वरना लिफ्ट बंद हो गई तो सोचेंगे यार आज नहीं जाएंगे, कौन चौथी मंजिल पे जाएगा। भाई और बहनों, सफलता और फिटनेस का रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, अपने आइकॉन्स को देखिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, फिल्मों में हो, बिजनेस में हो, इनमें से अधिकतर फिट है। ये सिर्फ संयोग मात्र नहीं है, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक चीज ऐसे हर व्यक्ति में कॉमन है, सफल लोगों का कॉमन कैरेक्टर है फिटनेस पर उनका फोकस, फिटनेस पर उनका भरोसा। आपने बहुत से डॉक्टरों को भी देखा होगा, बहुत पॉपुलर होते हैं और दिन में 10-12 घंटे अनेक पेशेंट के ऑपरेशन करते हैं। बहुत से उद्यमी सुबह एक मीटिंग एक शहर में करते हैं, दूसरी मीटिंग दूसरे शहर में करते हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती,
उतनी ही अलर्टनेस के साथ काम करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने प्रोफेशन में एफिशिएंसी लानी है तो मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। चाहे बॉर्डरूम हो या फिर बॉलीवुड, जो फिट है वो आसमान छूता है। बॉडी फिट है तो माइंड हिट है। साथियों, जब फिटनेस की तरफ हम ध्यान देते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हुए अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमें अपनी बॉडी को भी समझने का मौका मिलता है। ये हैरानी की बात है, लेकिन हम अपने शरीर के बारे में, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इसलिए जब हम फिटनेस की अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो अपनी बॉडी का बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने ऐसे ही अपनी बॉडी की शक्ति को जाना है, पहचाना है। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है, जिससे एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण में उन्हें मदद मिली है। साथियों, फिट इंडिया अभियान भले ही सरकार ने शुरू किया है, लेकिन इसका नेतृत्व आप सभी को ही करना है। देश की जनता ही इसे कैंपेन को आगे बढ़ाएगी और सफलता की बुलंदी पर ले पहुंचाएगी। मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, जीरो इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न असीमित है। यहां मंच पर मानव संसाधन विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। मेरा उनको विशेष आग्रह है कि देश के हर गांव में, देश की हर पंचायत में, देश के हर स्कूल में ये अभियान पहुंचना चाहिए। ये अभियान सिर्फ एक मंत्रालय का नहीं है, सिर्फ सरकार का नहीं है। ये सरकार, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, नगरपालिका हो, पंचायत हो, कोई भी दल हो, कोई भी विचारधारा हो, फिटनेस के संबंध में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पूरा देश, हर परिवार इस पर बल दें। अभी हमने कार्यक्रम में देखा, हमारे यहां फिटनेस के साथ वीरता का भी महत्व है, लेकिन दुर्भाग्य से सीमित सोच के कारण, पूर्ण सोच के अभाव के कारण हमने हमारे परंपराओं से ऐसी गाड़ी डिरेल कर दी है। जैसे कभी हमारे यहां जो 60, 70, 80 साल के लोग, के उम्र के लोग होंगे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो तब तलवार का तब पढ़ाया जाता था, तब तलवार का तब। बाद में कुछ बुद्धिमान लोगों ने विवाद खड़ा होंगे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो तब तलवार का तब पढ़ाया जाता था, तब तलवार का तब। बाद में कुछ बुद्धिमान लोगों ने विवाद खड़ा किया, सीमित सोच का परिणाम था कि भाई तलवार बच्चों को पढ़ाने से उसके अंदर हिंसक मनोवृत्ति आती है, तो क्या करें, तो तलवार को निकाल दो, तब तरबूज का तब पढ़ाओ। यानी हमने किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमारी इन महान परंपराओं से वीरता को भी, शारीरिक सामर्थ्य को भी, फिटनेस को भी बहुत गहरी चोट पहुंचाई। और इसलिए मैं चाहूंगा हर प्रकार से हम फिटनेस को एक उत्सव के रूप में, जीवन के एक हिस्से के रूप में, परिवार के सफलता के जितने भी मानक हो उसमें फिटनेस भी एक परिवार की सफलता का मानक होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन की सफलताओं में भी फिटनेस उसका एक मानक होना चाहिए। अगर इन भावों को लेकर के हम चलते हैं, और राज्य सरकारें हो, मैं उनको भी कहूंगा कि फिट इंडिया मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने, इसे देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आए।
अपने स्कूलों में, अपने कार्यालयों में, अपने राज्य के लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाकर, उनके लिए आवश्यक संसाधन जुटाकर, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली अपना कुछ समय फिटनेस को देने के लिए प्रेरित करना होगा। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। जैसे आपने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह फिट इंडिया मूवमेंट को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आइए, आप आज ये संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा लें कि आप खुद भी फिट रहेंगे, अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और जिनको भी आप जानते हैं उन सभी को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं फिट तो इंडिया फिट, इसी एक आग्रह के साथ एक बार फिर इस अभियान के लिए देशवासियों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और समाज के हर तबके में नेतृत्व करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि आप आगे आइए, इस मूवमेंट को बल दीजिए, समाज के स्वस्थ होने में आप भी हिस्सेदार बनिए। इसी एक अपेक्षा के साथ, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों से हमें प्रेरित करने के लिए और फिट इंडिया अभियान को प्रारंभ करने के लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम सब की ओर से देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है और आप सब से भी कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्र गान के लिए। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम से ये प्रस्तुति आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया और बताया देशवासियों को कि फिट रहना, स्वस्थ रहना कितना ज्यादा जरूरी है। किसी भी उम्र के लोगों के लिए फिट रहना जरूरी है। एक प्रस्तुति भी वहां पर पेश की गई जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की और उस प्रस्तुति में दिखाया गया था, हमारे सांस्कृतिक रंग दिखाए गए थे। साथ ही एक बच्चों की प्रस्तुति थी जिसमें कि एक संकल्प बच्चे लेते दिखाई दे रहे थे, किस तरह से वो अपने माता पिता, दादा दादी सबका ख्याल रखेंगे, पर्यावरण का ख्याल रखेंगे, स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में दोहराई भी। प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद थे, इसके साथ मानव संसाधन मंत्री भी मौजूद थे, रमेश पोखरियाल, स्वास्थ्य मंत्री वहां पर थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, किरण रिजिजू, स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी का साफ तौर पर कहना था कि सिर्फ स्पोर्ट्स ही फिटनेस का पैमाना नहीं होता है, फिट रहना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, शिखा शर्मा मौजूद हैं जो कि डायटिशियन है जानी मानी। इसके अलावा शालिनी मेरी सहयोगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और वर्णित लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। शालिनी, पहले आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पर प्रसारण हो रहा था, बच्चे मौजूद हैं वहां पर, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, किस तरह का माहौल और क्या टेक अवे आज के कार्यक्रम से? नंदिता, यहाँ पे मैं बता नहीं सकती कितना उत्साह था जिस वक्त नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे और उनका ये जो उत्साह था वो ये बताने के लिए काफी था कि वो फिट इंडिया मूवमेंट में उनके साथ है, जो भी बातें कही जा रही हैं उसका वो समर्थन भी कर रहे हैं। और देखिए, अगर आपको मैं गाइडलाइंस के बारे में बताऊं तो यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें सबसे पहले तो आज के लिए ये कहा गया था कि आप फिट इंडिया स्टेप ले, जिसमें 10,000 कदम एक दिन में चलने की बात कही गई है। और इसके अलावा ये मूवमेंट आज ही शुरू होकर के थम न जाए, आगे भी चलता रहे, इसके लिए भी बाकायदा तमाम जितने भी हायर इंस्टीट्यूट हैं उन्हें ये कहा गया है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसके लिए प्रेरित करें। बाकायदा आपकी वेबसाइट में इसके लिए आप एक सिलेबस की तरह बना करके अपनी वेबसाइट में अपलोड करें और उसके बाद छोटे छोटे वीडियोज बना करके इन तमाम
तमाम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उन्हें यूजीसी तक पहुंचाने भी होंगे, उनकी वेबसाइट पे भी अपलोड करने होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये आज यहाँ पर सिर्फ थमने वाला नहीं है, और ये जो हॉल आप देख रहे हैं ये खचा खच उस वक्त भी भरा हुआ था, और अभी भी देखिए तमाम स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, सफेद रंग की टी शर्ट में ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, तो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पहुंचे थे जैसा कि यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की थी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आगे